नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं वो सीक्वेंसेस का ही सब टॉपिक है, कॉशी सीक्वेंसेस। तो चलिए सबसे पहले कॉशी सीक्वेंसेस के बारे में बताती हूँ कि कॉशी सीक्वेंसेस होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन, अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी अ कॉशी सीक्वेंस if given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod of an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m। ये सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस जो है उसको हम कॉशी सीक्वेंस कब कहेंगे, जब हमारे पास में हर एक एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा, सच दैट व्हेनेवर वी हैव n ग्रेटर देन इक्वल टू m ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन। मतलब हर एक वो n जो कि m से बड़ा है, दोनों का जो मॉड्यूलस आएगा, डिफरेंस आएगा, उसका मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऐसी सिचुएशन में हम सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कहेंगे। तो चलिए कॉशी सीक्वेंस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूं मैं, तो आपको ये बेटर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर वन लेते हैं। दिस सीक्वेंस जो कि मैं बहुत बार यूज करती हूं, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n, इज अ कॉशी सीक्वेंस। ये जो है ये एक कॉशी सीक्वेंस है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? इफ n ग्रेटर देन m, हमने ये लिया ही है कि n जो है वो m से बड़ा है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1/m ग्रेटर देन 1/n। जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब कंसिडर मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम, हमको ये चीज चाहिए होती है, तो हम ये कंसिडर करते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम विच इज इक्वल टू 1/n - 1/m विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस n डिवाइडेड बाय m n विच इज इक्वल टू, m जो है वो n से छोटा है, तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ये लेंगे n माइनस m डिवाइडेड बाय m n। This is less than 1/m। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे आया, इसको मैं साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं। देखिए आपका n जो है वो n माइनस m से बड़ा रहेगा। ऑब्वियसली n जो है वो n से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उस नंबर से बड़ा ही आएगा। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, तो ये आपका आ जाएगा m n ग्रेटर देन m टाइम्स n माइनस m।
take reciprocal. जब आप इसका उल्टा लेंगे तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 1 by mn less than 1 upon m times n minus m. अब इसको आप इधर ले जाइए तो ये हो गया आपका m minus n divided by mn less than 1 minus m. तो आप वो वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं. तो आपके पास में आपको जो यहां पर मिल रहा है वो मिल रहा है m minus n divided by mn less than 1 by m. अब यहां पर आप अपना epsilon ले लेंगे. Take epsilon greater than 0 be given. We will choose our epsilon greater than 0 such that 1 by m is less than epsilon. 1 by m jo hai wo less than epsilon kab hoga? Whenever m greater than 1 by epsilon. Jab hamare paas mein m jo hai वो 1 by epsilon से बड़ा होगा. तो, so, 1 by m less than epsilon whenever m greater than 1 by epsilon, which implies mod of an minus am less than epsilon whenever n greater than equal to m. तो हमारे पास हमने यहाँ पर proof कर दिया कि ये जो है ये एक Cauchy sequence है. और यहाँ पर epsilon जो है वो हमारा arbitrary है. ये result जो है वो हर एक epsilon के लिए true हो रहा है. तो ये जो sequence है ये हमारी Cauchy sequence है. तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसी सीक्वेंस का जो कि कॉशी सीक्वेंस नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2. सीक्वेंस n स्क्वायर इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस. Let n greater than m. Consider mod of an minus am. तो ये आ जाएगा हमारे पास में n square minus m square, which is equal to n square minus m square. सीधा यही वाला आएगा. इसकी absolute value जब लेंगे तो, क्योंकि n square जो है वो m square से बड़ा है, क्योंकि हमारे पास n जो है वो हमने m से बड़ा लिया है. ये हमारे पास में always greater than 2m आएगा. अब let epsilon is equal to 1. हम एक क्योंकि अगर हमारे पास में ये Cauchy sequence है तो ये हर एक epsilon के लिए true होना चाहिए. तो हम epsilon is equal to 1 ले लेंगे तो whatever m may be, whatever m may be, 2m is always greater than 1. ये हमारा epsilon है. 2m is always greater than m. Therefore, there exists epsilon is equal to 1 greater than 0 such that mod of an minus am greater than epsilon. तो हमारे पास में ये वाला Cauchy के sequence वाला criteria जो है वो match नहीं कर रहा है, जो कि कहता है हमारे पास में mod of an minus am less than epsilon whenever
n greater than equal to m. ये वाला क्राइटेरिया हमारे साथ में मैच नहीं हो रहा है, देयरफॉर सीक्वेंस n स्क्वायर इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस. अब ये जो डेफिनेशन है हमारे पास में कॉशी सीक्वेंस की, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं. इसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन मैं आपको बताती हूं कि क्या होगी. इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ अ कॉशी सीक्वेंस. हमारे पास में लेट सीक्वेंस ए एन बी अ कॉशी सीक्वेंस. हमारे पास में सपोज सीक्वेंस ए एन जो है वो कॉशी सीक्वेंस है, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. अब हमारे पास में वो हर एक एन के लिए ट्रू हो रहा है जो कि m से बड़ा है, तो हम इस डेफिनेशन को इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकते हैं. ये जो फ्रेज है हम उसको रिप्लेस ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, हम इस फ्रेज को रिप्लेस ऐसे कर सकते हैं, सीक्वेंस an इज अ कॉशी सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट मॉड ऑफ ए एम प्लस पी माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर पी ग्रेटर देन जीरो. क्योंकि एम प्लस पी जो है, पी कोई भी ग्रेटर देन जीरो नंबर है, ये हमेशा से ही एम से बड़ा होगा. तो मॉड ऑफ ए एम प्लस पी माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर पी ग्रेटर देन जीरो. तो ये इसके इक्विवेलेंट डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस की ही. हम इसको भी यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. तो चलिए एक थ्योरम लेते हैं इसी कॉशी सीक्वेंसेस के अंदर ही. थ्योरम नंबर वन, एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड. हर एक कॉशी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होगी. तो इसका प्रूफ चार्ट करते हैं. लेट सीक्वेंस एन बी अ कॉशी सीक्वेंस. तो जो हमारा कॉशी की डेफिनेशन है वो हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू होनी चाहिए. हम यहां पर इन पर्टिकुलर एक एप्सिलॉन लेते हैं. लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन बी गिवन इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू वन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of a n
minus am less than 1 for all n greater than equal to m. यहाँ पर in particular हमने जो है वो epsilon is equal to 1 लिया है. हमारा जो result है वो हर एक epsilon के लिए true हो रहा है. तो हम in particular epsilon is equal to 1 ले रहे हैं. तो ये हमारे पास में हो जाएगा am minus 1 less than an less than am plus 1 for all n greater than equal to m. अब हमारे am को छोड़कर बाकी जितने भी n हैं जो कि infinite terms हैं वो सभी के सभी an minus 1 सॉरी am minus 1 और am plus 1 के बीच में लाए करेंगे. हम क्या करेंगे, चूज स्मॉल k इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a1 a2 am कॉमा am माइनस 1. और हम कैपिटल k ले रहे हैं मैक्सिमम ऑफ a1 a2 a3 कॉमा am कॉमा am प्लस 1. तो हमें क्या मिल जाएगा, k इज लेस देन am माइनस 1 क्योंकि हमने k जो है वो मिनिमम लिया है इन सब का. ये जो है ये लेस देन an है, लेस देन am प्लस 1 है, ये लेस देन k है क्योंकि ये k जो है वो मैक्सिमम इन सब टर्म्स का है फॉर ऑल n. अब यहां पर हम ये दोनों टर्म्स को एक बार ओमिट कर देंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल k लेस देन an लेस देन कैपिटल k फॉर ऑल n. तो हमारे पास में हमें इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिल चुका है. देयरफॉर सीक्वेंस an इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. ये हमने कॉशी सीक्वेंस ली थी और ये हमारे पास में यहां पर बाउंडेड सीक्वेंस हमको यहां पर मिल गई है. लेकिन इसका क्या कन्वर्स ट्रू नहीं है. हम इसको लिख सकते हैं एक रिमार्क में, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. कन्वर्स इसका जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, मतलब कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉशी सीक्वेंस हो. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट एन बी अ सीक्वेंस defined by an is equal to minus 1 to the power n. अब ये जो सीक्वेंस होती है हमारी ये ऐसे होती है minus 1 1 minus 1 1 and so on so on so on. तो इसका जो लोअर बाउंड होता है वो हमारा minus 1 होता है और जो इसका अपर बाउंड होता है वो हमारा 1 होता है. ये बाउंडेड सीक्वेंस होती है हमारी, लेकिन ये जो है ये हमारी कॉशी सीक्वेंस नहीं होगी. हम कंसिडर करते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम. तो ये हमारे पास में आएगा माइनस 1 टू द पावर n माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर m व्हिच इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर m प्लस माइनस 1 टू द पावर m प्लस 1. हम यहां पर
let epsilon is equal to, suppose हम लेते हैं epsilon is equal to 1, तो हमारे पास में, तो ये जो result है हमारा, ये आप देख सकते हैं, आप m की कोई भी positive value ले लीजिए या negative value, suppose आप m is equal to 1 लेते हैं, तो हमारे पास में n is equal to यहां 2 आ जाता है. Sorry, n हम कोई भी number, sorry, आप m is equal to यहां पर अगर 1 लेते हैं और n कोई भी number लीजिए जो कि m से बड़ा है. Suppose n is equal to 2 लेते हैं आप, तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा minus 1 to the power 2 plus minus 1 to the power 2 which is equal to 2. Which is greater than equal to 2, this is greater than 1. So, यहाँ पर epsilon is equal to 1 के corresponding, ये जो sequence है, ये Cauchy sequence नहीं है. अब हमारा जो result है, वो हर एक epsilon के corresponding होना चाहिए, correct? यहाँ पर epsilon is equal to 1 के corresponding, ये result correct नहीं आ रहा है. Therefore, minus 1 to the power n is not a Cauchy sequence. तो हमारे पास यहां पर ये जो सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस तो है, मगर ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है. तो चलिए ऐसा करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि कॉशी सीक्वेंस पर बेस्ड हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉशी सीक्वेंस. चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1 is a Cauchy sequence. हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो sequence है, ये हमारी Cauchy sequence है. तो चलिए इसका solution start करते हैं. Let n greater than m. तो कंसिडर करते हैं हम मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम. तो ये आ गया हमारा एन अपॉन एन प्लस 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू एन माइनस एम डिवाइडेड बाय n plus 1 and m plus 1. ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? n plus 1 and m plus 1. अब हमारे पास में इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, n minus m divided by n plus 1 and m plus 1. ये जो है, ये less than 1 by m square है. अब ये कैसे है, इसको मैं थोड़ा सा explain करती हूँ. आपके पास में n plus m into m plus 1, ये always greater than m square into n minus m होगा. आप जब आप इसका reciprocal लेंगे, तो ये आपका 1 by n plus 1 divided by 1 by m plus 1 less than 1 by m square into n minus m आ गया.
अब आप n माइनस एम से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर इस वाले n माइनस एम को जब आप इधर ले जाएंगे, तो ये आ गया आपका n माइनस एम, n प्लस एम, m प्लस वन लेस देन 1/m². तो ये आपका यहां पर ये वाला रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट 1/m² लेस देन एप्सिलॉन। 1/m² लेस देन एप्सिलॉन कम होगा व्हेन एवर m ग्रेटर देन 1/mod epsilon, सॉरी अंडर रूट ऑफ epsilon। तो हम अपना epsilon कुछ इस तरह से चूज कर रहे हैं कि m शुड बी ग्रेटर देन 1/mod epsilon। तो ये हमारे पास में हो गया मॉड ऑफ n अपॉन n प्लस वन माइनस m अपॉन m प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर m ग्रेटर देन 1/mod epsilon एंड n ग्रेटर देन m। तो इस चीज को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये थी हमारी एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो सीक्वेंस दिखाई गई है हमें वो है हमारी कॉशी सीक्वेंस। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूं जिसमें जो सीक्वेंस हमारी डिफाइन की गई है वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है। इस तरह से हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ऐसे सीक्वेंस भी जो कि कॉशी सीक्वेंस है और ऐसे सीक्वेंस भी जो कि कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। शो दैट द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय सेटिंग ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + and so on + 1/n इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। आप ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो सीक्वेंस है ए एन जिसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + and so on + 1/n इज नॉट अ कॉशी सीक्वेंस। आप प्रूफ करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो कॉशी सीक्वेंस नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let us assume that sequence AN is a Cauchy sequence. Let us assume करते हैं कि ये sequence जो है वो Cauchy sequence है. Therefore, for all epsilon greater than zero, there exists a पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। हम क्या करते हैं इन पर्टिक्यूलर एक एप्सिलॉन ले लेते हैं। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो रिजल्ट है वो हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू हो रहा है, तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 के लिए भी ट्रू होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम
such that mod of an minus am less than half for all n greater than equal to m. अब यहां पर हमारा a n जो है वो है 1 plus 1 by 2 plus and so on plus 1 by n minus 1 plus 1 by 2 plus and so on plus 1 by m which is equal to 1 plus 1 by 2 plus and so on. यहां पर m जो है वो n से छोटा है तो यहां कहीं पर भी m वाली टर्म आई होगी plus m plus 1 plus and so on plus 1 by n minus 1 plus 1 by 2 plus and so on plus 1 by m. So, हमारे पास में ये वाली जितनी भी terms हैं ये cancel हो जाएंगी. हमारे पास में बचेगा क्या? Mod of 1 plus m plus m plus 2 plus and so on plus 1 by n. ये सभी के सभी terms जो हैं वो absolute terms हैं. ये सबके सब terms sorry positive terms हैं तो इनको absolute से बाहर निकाल लेंगे हम. तो ये आ गया हमारा 1 upon m plus 1 plus 1 upon m plus 2 plus and so on 1 by n. अब आप देखेंगे कि ये सभी की सभी जो टर्म्स हैं ये greater than equal to 2 by m sorry 1 by 2 by 1 by 2m plus 1 by 2m plus and so on plus 1 by 2m है. यहां पर मैं क्या कर रही हूं, n is equal to 2m ले रही हूं. ऐसा इसलिए क्योंकि रिजल्ट जो है वो ट्रू हो रहा है हर एक n जो कि m से बड़ा है और 2m जो है वो n से बड़ा है सॉरी m से बड़ा है तो n को हम 2m से रिप्लेस कर सकते हैं. इससे पहले हम एक और स्टेप ले लेते हैं जिससे ये थोड़ा और इजी हो जाएगा. इसको हम ले लेते हैं 1 upon take n is equal to 2m. तो ये वाला हमारे पास में आ गया 1 upon m plus 1 plus 1 upon m plus 2 plus and so on plus 1 by 2m. अब ये हर एक जो टर्म है वो greater than 2m 1 by 2m plus 1 by 2m plus and so on plus 1 by 2m है which is equal to ये कितने टाइम्स हो रही हैं? M टाइम्स हो रही हैं. इन सबको ऐड कर दो m into 1 by 2m which is equal to half. यानी कि हमारे पास में ये greater than equal to half है मगर half जो है वो greater than equal to half कैसे हो सकता है? Because half is equal to half होता है. Therefore a contradiction. Therefore sequence an is not a Cauchy sequence. हमारे पास ये जो हमने criteria assume किया था कि ये जो sequence है ये Cauchy sequence है, ये हमारा criteria जो है वो wrong हो गया है. तो ये जो है sequence ये हमारे पास में Cauchy sequence नहीं है. तो ये थे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस जो कि Cauchy सीक्वेंस है और Cauchy सीक्वेंस नहीं है दोनों टाइप के टॉपिक को कवर कर रहे थे. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको Cauchy सीक्वेंस के अंडर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम Cauchy कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कहते हैं उसको Cauchy कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है. मैं उस थ्योरम के बारे में बताऊंगी. अगर आपको
इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।